एबीएस ऑन तो फिसलना ऑफ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये है बजाज की प्लेटिना कम्फर्टेक। जी हाँ, प्लेटिना कम्फर्टेक एबीएस मॉडल, ये 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले, ये बजाज की प्लेटिना 2023 एबीएस के बारे में, यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसके बारे में हम बात करने वाले, इसमें क्या क्या नया फीचर्स आपको मिलेगा 2023 में, और क्या प्राइस होने वाली है, माइलेज कितना होगा, और कैसा कंफर्ट मिलेगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका लुक काफ़ी प्यारा लुक है, और काफ़ी ज़बरदस्त फीचर के साथ में ये बाइक आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम बात करेंगे इस बाइक के फ्रंट से। तो सबसे पहले, आप वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तुरंत। तो यहाँ से हम पहले बात करने वाले हैं विंडशील्ड की। तो यहाँ पर आपको स्मोकी ब्लैक कलर के साथ में आपको विंडशील्ड मिल जाती है प्लेटिना में। नीचे आपको DRL मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ब्राइट है। मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको DRL मिल जाता है। साथ में आपको जो इसकी हेडलैम्प है, ये आपको हाइलोजन के साथ में मिल जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट इसमें आपको रोशनी मिलने वाली है। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल ही नया इंडिकेटर देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा बिल्कुल डिज़ाइन है इसका। और इसे यहाँ से आप देख सकते हैं, और इसका जो वाइज़र है, वाइज़र में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स का प्रयोग किया गया है। और इसका जो हेडलैम्प है, ये आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है 110cc में पावरफुल लाइट के साथ में। और इसमें आपको जो फ्रंट में सस्पेंशन मिलने वाला है, ये आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप 135mm के ट्रेवल के साथ में। और यहाँ पर आप देखेंगे कम्फर्टेक की ब्रांडिंग आपको मिलेगी इसके सस्पेंशन में। फेंडर की बात कर ले तो यहाँ पर आपको फेंडर आपको रेड कलर में मिलेगा, मतलब बॉडी कलर के साथ में, और ग्राफिक्स भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। 240mm की डिस्क मिलने वाली है इस बाइक में। और इस बाइक में आपको जो टायर मिलता है, ये आपको मेट्रो का मिल जाता है। इसमें आपको 8017 का टायर मिल जाता है। इसमें आपको 17 इंच का व्हील मिल जाता है, व्हील का पैटर्न आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, और 240mm की डिस्क मिल जाती है। सबसे बड़े बदलाव की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको ABS मिल जाता है। जी हाँ, ये ABS प्लेट आपको देखने को मिल जाती है। ये पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको 110cc में ABS देखने को मिलेगा, और इसका अलॉय व्हील का पैटर्न आप देख सकते हैं कुछ ऐसा मिलने वाला है। साथ में आप देख सकते हैं इसके अलॉय व्हील, इसका जो अलॉय व्हील है, इसमें भी आपको गोल्डन कलर के साथ में स्ट्रिप देखने को मिलेगी, मतलब इसमें आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS वर्क करता है, मतलब इसकी पकड़ कैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं। साथ में आप देखेंगे तो ये आपको बाइक फ्रंट में कुछ ऐसी नज़र आने वाली है। और यहाँ से आप बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर कंसोल आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो स्विच बार है काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। इसमें आपको कोई भी बार एंड देखने को नहीं मिलेगा, ग्रिप काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। फ्रंट में आपको यहाँ पर पासिंग लाइट मिल जाएगी, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर और हॉर्न की स्विच मिल जाती है। इसमें आपको सिंगल पीस हॉर्न मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल पीस में इसका हैंडल बार देखने को मिल जाएगा। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको 110cc में कोई भी किल स्विच नहीं मिलेगी। यहाँ से आप देखेंगे इसकी हेडलाइट ऑफ ऑन करने के लिए मिल जाएगी, और सेल्फ स्टार्ट की स्विच भी आपको देखने को मिलेगी। साथ में मैं आपको दिखा दूँ इसके जो मिरर हैं, मिरर आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं जो कि बिल्कुल नए डिज़ाइन में। और इसका जो मीटर कंट्रोल है, आप देख सकते हैं सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। इस बाइक की आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, बजाज का लोगो मिल जाता है दोनों साइड में, और इसमें आपको ये नॉर्मल की है, इसमें कोई भी वेव की आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में आप देखेंगे इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर, क्लॉक, ऑडोमीटर, और यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पर न्यूट्रल, और साथ में आप देखेंगे हाई बीम टर्न इंडिकेटर, इंजन चेक, ABS, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट की बटन भी देखने को मिलेगी। मीटर कंट्रोल में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का पार्ट देखने को मिलेगा। अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो सिल्वर कलर का है, ये पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको जो बैकग्राउंड लाइट मिलती है, ये आपको ऑरेंज कलर के साथ में देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसका डैशबोर्ड भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक का डिज़ाइन आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है प्लेटिना। यहाँ पर आपको स्टिकर फॉर्म में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स जो है, ये आपको ग्रे, मैरून और रेड कलर का कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिल जाता है। टैंक पैड भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी।
यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आपको पेट्रोल टी भी आपको इस बाइक में मिलने वाली है। बात कर लेते हैं हम इस बाइक के इंजन की, तो इसमें आपको 115.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल DTSI BS6 इंजन मिल जाता है, जिसमें इसकी जो मैक्स पावर है ये आपको मिल जाती है 8.6 PS की 7000 RPM पर, और इसका जो मैक्स टॉर्क है ये आपको मिल जाएगा 9.81 Nm का 5000 RPM पर, और इसमें आपको किक भी देखने को मिलेगी और सेल्फ के साथ में ये बाइक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सेंसर मिल जाएगा, यहाँ पर कैटेलिटिक कन्वर्टर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका क्रैश गार्ड भी देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको 5-speed गियर बॉक्स सेटअप देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें जो गियर लगते हैं ये आपको सारे के सारे फ्रंट में लगेंगे, इसमें आपको रियर में नहीं लगेंगे। फीचर की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी इस बाइक में आपको मिलेगा, और यहाँ से इसमें आपको मेन स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा। चैन पॉकेट की बात करते हैं, इसका जो चैन कवर है ये आपको फाइबर में मिलेगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आप टायर प्रेशर पॉज करके पढ़ सकते हैं। कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके जो फुटरेस्ट हैं ये आपको काफ़ी चौड़े मिल जाते हैं, मतलब इस तरह के फुटरेस्ट आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलते। लेडी फुटरेस्ट भी मिल जाएगा, साड़ी गार्ड भी इसमें आपको मिलने वाला है। रियर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो इसमें आप SOS विद नाइट्रॉक्स कनेक्टर सस्पेंशन मिल जाएगा, और इसके जो पैनल है पैनल में आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ग्राफिक, और नीचे कार्बन ब्लैक कलर का पार्ट देखने को मिलेगा। रियर के पैनल में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको ग्राफिक्स मिल जाता है, 110 ABS की ब्रांडिंग, नीचे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और बात करेंगे हम इसके सीट कंफर्ट की, तो इसमें आपको काफ़ी लंबी सीट मिल जाती है बहुत ही कुशनिंग के साथ में, और इसमें आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंफर्टेक की ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्रैबरेल जो है आपको सिंगल पीस में मिलेगा, इसमें आपको स्प्लिट ग्रैबरेल नहीं मिलेगा। टर्न इंडिकेटर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा मिलेगा। टेल लैंप आपको हाइड्रोजन बल्ब के साथ में, और काफ़ी अच्छी इसमें डिज़ाइन देखने को मिलेगी। रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा, नंबर प्लेट यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में हम दूसरी साइड में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको मेट्रो का टायर मिल जाएगा रियर में, और जो इसका साइज़ है 80/17 का मिल जाएगा, 17 इंच के इसके अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, ये ट्यूबलेस टायर है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं RLP प्लेट इस बाइक में भी आपको देखने को मिलेगी, 110 प्लेटिना ABS में, और यहाँ पर आपको जो ये प्लेट है ये आपको CBS ब्रेक्स के साथ में मिलेगी, और रियर का जो ब्रेक है ये आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है 110 mm के साथ में। एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट और यहाँ पर क्रोम की मफलर प्लेट देखने को मिलने वाली है, और यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने को मिल जाता है। और हम बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन की, तो इसमें आपको इस बाइक की टोटल लंबाई है 2006 mm, चौड़ाई इसमें आपको 713 mm, जो इसकी हाइट है ये आपको 1100 mm, व्हील बेस इसमें आपको 1255 mm का मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो इसमें आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। सीट हाइट इसमें आपको 807 mm की मिलती है, और इस बाइक का जो टोटल वेट है कार्गो वेट है ये आपको 123 kg मिल जाएगा। फ्यूल टैंक आपको इसमें आपको 10.5 लीटर का मिलने वाला है। और बात करते हैं हम इस बाइक के प्राइस की, तो जो इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है आपको 87,000 में ये लगभग मिल जाएगी, और ये बाइक आपको उपलब्ध होगी सिंह बजाज हरिहरगंज फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ से आप बजाज की कोई भी बाइक परचेज कर सकते हैं, प्लेटिना हो गया और पल्सर की कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं इसको एडजस्ट और इंजन नोट भी आपको इस बाइक का सुना देता हूँ, आप सुन सकते हैं। यहाँ से आपको मैं इसका एडजस्ट और इंजन नोट भी सुना देता हूँ। तो यहाँ से आपने इसका एडजस्ट और इंजन नोट सुन लिया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।